पाकिस्तान और इंडिया का कल खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलाएगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यह मैच 1:30 पे शुरू होगा। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतज़ार रहता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, लेकिन अब वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। बस कुछ घंटे बाद पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होंगी। भारत की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच वर्ल्ड कप 2023 का, जो बाबर 11 की सरबराही में भारत के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां की गई, कौन से खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने अपने 2 मुकाबले खेले वर्ल्ड कप के और दोनों में कामयाबी सिमटी है। जहां पाकिस्तान ने सबसे पहला मुकाबला खेला नेदरलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान ने वो इबरतनाक शिकस्त दी थी नेदरलैंड को और वो मुकाबला अपने नाम कर लिया। दूसरा मुकाबला जो पाकिस्तान ने खेला वो श्रीलंका के खिलाफ खेला। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 345 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तान ने वो टारगेट बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला बस कुछ घंटे बाद पाकिस्तान और इंडिया का शुरू होगा और पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां की गई। बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान टीम में इस वक्त बड़ी रद्दो बदल के बारे में सोच रहे हैं। बड़े उनके ऊपर उनकी सोच है कि हम भारत को भारत की सरजमीन के ऊपर इबरतनाक शिकस्त दें और दुनिया की तारीख रकम अदा करें। इस वक्त पाकिस्तान टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। आपको बताते चले वर्ल्ड कप 2023 की जो वार्म अप मैच खेले पाकिस्तान ने उसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आई, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो पहला मुकाबला नेदरलैंड के खिलाफ खेला और दूसरा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ खेला, उसके बाद पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग अटैक है वो भी बेहतर होगी और पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइन है वो भी बेहतर होगी। फखर जमान की टीम में वापसी होने जा रही है। फखर जमान को टीम में शामिल किया गया है, उसकी जगह किस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया हम आपको बताएंगे। बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है पाकिस्तान टीम में और शादाब खान के हवाले से भी खबर आ चुकी है कि शादाब खान को भी टीम से ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आई वर्ल्ड कप 2023 में भी और एशिया कप में भी। पाकिस्तान के टीम के शादाब खान जो वाइस कैप्टन हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। कल मुकाबला खेला जाएगा भारत वर्सेस पाकिस्तान, ये बड़ा मुकाबला है। क्रिकेट फैन जो है उनको बेसब्री से इंतजार रहता है भारत और पाकिस्तान के मैच का। तो कौन जीतेगा कल का मुकाबला, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिए और आप क्या कहना चाहते हैं कल के मुकाबले में। कल मुकाबला पाकिस्तान का है, अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है और पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो पाकिस्तान को 350 से ऊपर रन करने पड़ेंगे भारत टीम के लिए, क्योंकि भारत टीम खतरनाक टीम है। भारत ने भी अभी अपने 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में भारतीय टीम ने कामयाबी सिमटी है। पाकिस्तान ने भी 2 मैच खेले हैं और उन्होंने भी कामयाबी अपने नाम सिमटी है। ये कल का मुकाबला है, दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम मुकाबला है। कौन जीतेगा कल का मुकाबला, दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं।